जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के स्तंभ क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो सबसे पहले जानिए, लोकतंत्र में चार स्तंभ होता है। पहला होता है विधायिका, जिसको हम लोग ऐसे अगर बात करें इंग्लिश में तो लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा होता है कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में एक्सिक्यूटिव बोला जाता है। तीसरा हमारा होता है न्यायपालिका, जिसको इंग्लिश में जुडिशरी बोला जाता है। और चौथा हमारा होता है पत्रकारिता, या फिर कह सकते हैं मीडिया। देखिए, इन पे सभी लोगों को डिटेल से पढ़ लेते हैं। उतना काफ़ी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मली क्लास ले रहे हैं, अभी कोई सब्सक्रिप्शन क्लास नहीं है। आगे आइए, पढ़ा जाए। सबसे पहला देखिए, बात करते हैं हम लोग विधायिका की। चार स्तंभ होता है, याद रखिएगा, कोई पूछ लेते हैं लोग तो बड़ा व्यस्ती का हो जाता है कि लोकतंत्र में कितने स्तंभ होते हैं। तो चार, कौन कौन से होते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होता है पत्रकारिता। सबसे पहला हमारा विधायिका। विधायिका में देखिए दोस्त, होता क्या है, तो विधायिका में विधेयक पास करना रहता है, या फिर जो लोग विधायिका में होते हैं वो लोग विधेयक पास करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि विधेयक होता क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, विधेयक का मतलब होता है बिल पास करना, या फिर अब कहेंगे बिल क्या होता है, तो बिल को ऐसे अगर माने तो हम लोग लॉ कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए लिखे हमने कानून बनाना। जो विधायिका होती है उसका काम होता है कानून बनाना। अब इसमें लोग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो एमपी हो गए, एमएलए हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और उनका मंत्रिपरिषद हो गया। एक और आता है स्टूडेंट, जिसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर होता है। देखिए, मंत्री भी बेसिक तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक हमारे होते हैं मंत्री, और एक होते हैं उपमंत्री। इनको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में इसको नहीं जानेंगे। अब आइए आगे पढ़ते हैं। कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका किसको कहते हैं, तो जो कानून बना है उसको जो लागू करवाए उसको कहते हैं हम लोग कार्यपालिका। जो लागू करवाता है उसको कहते हैं कार्यपालिका, याद रखिएगा। तो इसमें आते हैं वो मंत्री लोग आ गए और एक अधिकारी आ गए। देखिए, अब बात करेंगे तो कहेंगे कि जब मंत्री आए तो अधिकारी को आने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो देखिए स्टूडेंट, अधिकारी इसलिए आएंगे क्योंकि मंत्री हर जगह नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में ही हो जाए, तो क्या मंत्री लोग जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। इसी कारण वो लोग क्या करते हैं कि अधिकारी नियुक्त करते हैं। अब देखिए, अधिकारी भी हर गांव में नहीं जा सकता है। मान लीजिए छोटा झंझट हो जाए, छोटा सा झगड़ा हो जाए, तो क्या वहाँ पे अधिकारी जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अधिकारी के नीचे आते हैं पदाधिकारी, तो पदाधिकारी आपके गाँव में जाते हैं। आगे आते हैं हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है, तो जो अगर न्यायपालिका को ये समझ में आए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जो कानून बनाए उसको मानता नहीं है, तो वो क्या उसको करती है, दंड देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए जैसे हो गया शराब, अभी हमारे बिहार में शराबबंदी चल रहा है, शराब पे बैन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शराब पीते रहते हैं। तो अगर न्यायपालिका, या फिर मतलब कहते हैं कि पुलिस हिरासत में आपको ले लेती है शराब पिए हुए, तो आपको न्यायपालिका कह सकते हैं कि न्यायालय में ले जाएगी, जिसको हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, इंग्लिश में जुडिशरी कहा जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि आपको दंड दिया जाएगा। अब जो भी दंड, देखिए दंड को हमने बता दिया है कि CRCP के तहत दंड दिया जाता है। अगला हमारा आता है पत्रकारिता। इनका काम क्या होता है ये जान लीजिए। तो पत्रकारिता का मतलब होता है कि अगर हमारे तीनों स्तंभ में, चाहे विधायिका हो जाए, चाहे कार्यपालिका हो जाए, या फिर न्यायपालिका, इन तीनों स्तंभ में कहीं भी गड़बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पे रोल अदा करता है पत्रकारिता। यानी ये बताता है कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है, कहाँ पे करप्शन नहीं हो रहा है। ऐसे तो इस समय अगर मान सकते हैं कि पत्रकारिता भी बिक चुकी है, पत्रकारिता में भी करप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पैसा दे देता है तो उसी का न्यूज़ चलाया जाता है, दूसरा उसका तो छोड़ दीजिए। अभी हम लोगों में करप्शन चलता है रेप का। अब एक चीज़ बताइए, इसको अगर किसी पुलिस अधिकारी को एक मेडल मिलता है तो उसका देखेंगे कि फोटो छोटा में छापा जाता है, इतना छोटा रहेगा कि मतलब उसको समझ में खुद ना आए कि ये हम ही है या फिर दूसरा है। लेकिन अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसका जो न्यूज होगा वो ये फ्रंट पेज में सबसे बड़ा में छपेगा। तो ये मैं पत्रकारिता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा काम ना करें, किसी की ज़िंदगी खराब ना करें। बल्कि ये क्या है, पत्रकारिता सोचती है कि नहीं, रेप पे अगर इतना छाप दिए तो बहुत अच्छा कर दिए, नहीं किए हो मेरे भाई यहाँ पे, और तुम रेप के लिस्ट बढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चे और देखेंगे तो कहेंगे कि अरे एक रेप किया वो बच गया, हम भी रेप करेंगे बच जाएंगे। तो ये और ज़्यादा हुआ या फिर कम हुआ, आप ज़रा सोचिएगा। यहाँ पे अब हो गया कि ये जहाँ भी गलत काम को करते हैं तो वो बताएगा कि नहीं यहाँ पे हमें गलत काम हुआ है, वो जनता को भी मतलब श्योरिटी दिलाएगा कि नहीं ये गलत काम है, यहाँ पे गलत काम हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई DM हो जाए या फिर कोई SP हो जाए, वो हमें से घूस लेना स्टार्ट कर दे, पैसा लेने लगे, तो वहाँ पे कौन अदा रोल अपना अदा करेगा। अब वहाँ पे तो जुडिशरी आएगी नहीं,
तत्कालीन देखने के लिए, तो वहां पे काम करता है पत्रकारिता, वो आएगा और वो बोलेगा कि नहीं ऐसा एसपी को नहीं करना चाहिए। चाहे कभी कभी ऐसा केस में आता है कि जो एसपी लोग होते हैं वो घूस खाने लगते हैं, तो वो भी हमारा करप्शन है, उसको भी रोकने का काम करता है मीडिया। तो हमने जाना इसमें ज्यादातर अगले वीडियो में सीखा जाएगा कि विधायिका क्या होती है, एमपी एमएलए के बाद क्या हो। तो देखिए स्टूडेंट, जो सांसद होते हैं, एक होते हैं सांसद, देखिए संसद में बैठने वाले को सांसद कहा जाता है, जो संसद में बैठता है उसको सांसद कहते हैं। अब इसका इंग्लिश जान लीजिए, इसका एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जिसको कह सकते हैं सांसद, तो बनते हैं सांसद जिसमें संसद में बैठते हैं। और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग हिंदी में और आम बोलचाल में विधायक कहते हैं। तो आप अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, सर आपने एमपी भी लिख दिया है एमएलए भी लिख दिया है, तो आखिर कानून बनाता कौन है? तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम सेंट्रल की बात करें, मतलब पूरे भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पे बनाने वाले में एमपी हो जाते हैं, और वहाँ पे कौन कौन रहेगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, और अगर बात मैं स्टेट की करूँ तो स्टेट वाले में एमएलए हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे, ये सब होते हैं। अब देखिए, हमने अगले वीडियो में इस वीडियो में शुरू शुरू में बताया था कि एक हमारा मंत्री परिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, तो दोनों जान लीजिए क्या होता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री को छोड़कर, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे हमने जो बताया था कि अन्य मंत्री होते हैं, उन मंत्री को छोड़कर कोई परिषद का गठन किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग मंत्रिमंडल, और अगर मतलब सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो उसको कहा जाता है मंत्री परिषद। दूसरा चीज़ देखिए, मंत्री परिषद का बैठक महीने में एक बार होती है, बात को गौर से सुनिएगा, ऐसे कुछ लोग झंझट में बेचैन होकर चले जाते हैं कि मंत्री मंडल बोले हैं या फिर मंत्री परिषद बोले हैं। देखिए मंत्रिमंडल नहीं बोले हैं, बल्कि मंत्री परिषद बोले हैं, कि मंत्री परिषद जो होते हैं उसकी बैठक महीने में एक बार होती है, और नहीं भी हो सकती है, ये कोई सियोर नहीं है कि महीने में एक बार होगी या फिर दो बार होगी, लेकिन इसके लिए कह सकते हैं ये होती भी है नहीं भी हो सकती है, मतलब इसमें सियोरिटी नहीं है। अब अगला बात करते हैं मंत्रिमंडल की, तो इसका हफ्ते में एक बार बैठक जरूर होगी, मतलब ये हमारे संविधान में लिखित है कि नहीं मंत्रिमंडल को हफ्ते में एक बार जरूर बैठक करवाना पड़ेगा, लेकिन मंत्री परिषद में ऐसा नहीं है, वो करवाए महीने में या फिर नहीं भी करवाए, अब उसकी मर्जी है। यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि एमपी क्या होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।